नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका पेपर रहेगा हिंदी का, अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो पेपर है वो आपका 7 दिसंबर 2023 का पेपर हिंदी का पेपर रहेगा। तो हिंदी के पेपर में यदि आपको पूरे में से पूरे अंक चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला देखिएगा। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा जो काल होगा वो हो जाएगा भक्ति काल। करेक्ट आंसर आप लगाएंगे भक्ति काल पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्रमांक आपका सेकंड वाला, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो ये जो आलंबन और उद्दीपन का संबंध होता है वो होता है विभाव से। विभाव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी का चश्मा जो पाठ है ये विधा है आपकी कहानी। कहानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सूरदास के गुरु थे, तो सूरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है। तो देखिए, दो शब्दों की बात हो रही है यहाँ पर, तो शब्द हो या पद हो समास हमारा कहलाता है। संधि की बात करें तो वर्णों का मेल होता है। अगला क्वेश्चन है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर जो लगाया था वो लगाया था पीसी हुई हल्दी। क्या लगाई थी? पीसी हुई हल्दी को माँ ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी मिलेंगे, सभी क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक। रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखेंगे। रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय पर, गाय का वध नहीं किया जाता, ठीक है। गाय आपका करेक्ट आंसर होगा। अभिनय तत्व की प्रधानता काव्य में होती है, तो ये होती है आपकी दृश्य काव्य में, ठीक है। दृश्य काव्य यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद है, तो जो प्रेमचंद है वो क्या है? कथाकार। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। आंसर क्या हो जाएगा? अनुरूप हुई। चौराहे में समास है, तो चौराहे में जो समास है वो हो जाएगा दीगु। दीगु समास आपका करेक्ट होगा। गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर था, 150 किलोमीटर की दूरी पर था। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम, सही जोड़ी मिलाएंगे, है ना। ये जोड़ी यहाँ पर देखिएगा सही है ये भी, पर और एक बार देख लीजिएगा। आत्मकथ्य, आत्मकथ्य जो पाठ लिखा है किसने लिखा है? ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। और तीन वर्णों का मेल कहलाता है, ये कहलाता है आपका गण। और एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो ये हो जाएगा आपका अंधे की लाठी। अलंकार कहलाते हैं आभूषण। कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर क्या लगाता था? चश्मा लगाता था। साना साना हाथ जोड़ी, ये क्या है? यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत है। यहाँ पर आप 6 नंबर लिखेंगे। जोड़ी भी पूरी हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भोलानाथ अपने साथियों को क्या कहकर बुलाते थे? भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? बाबूजी। क्या कहकर बुलाता था? बाबूजी। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? बाबूजी। बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो देखिए, जैसे ही वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या क्या नजर आए? तमाम प्रकार के जीव नजर आए। उनके साथ साथ वहाँ पर बिच्छू भी नजर आए, ठीक है। बिच्छू वगैरह वहाँ पर नजर आए, सांप चूहे ऐसे सब कुछ वहाँ पर क्या आए थे? नजर आए। शब्द की प्रथम शक्ति को, शब्द की प्रथम
शक्ति को क्या कहा जाता है? तो शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्रमांक है आपका 2। स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपका अभिधा हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको अभिधा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। आप लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिया था। आगे क्वेश्चन आप देखेंगे, किस काव्य में पूर्व अपर संबंध नहीं होता? तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स से बताएंगे मुझे किस काव्य में पूर्व अपर संबंध नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य में नहीं होता है। चितिज भाग दो में संग्रहित, चितिज भाग दो में संग्रहित सूर के चार पद कहाँ से लिए गए? तो लिए गए हैं भ्रमर गीत से। सूरदास की रचना भ्रमर गीत से ये लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम देखेंगे। उससे पहले जो जो स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार शेयर कर दो इसको, वीडियो को। जितने दोस्त लाइक कर चुके हैं लाइक कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ये लिखा सुभाष चंद्र बोस, साय ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सत्यापत्य देखेंगे। यहाँ पर परशुराम के परसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस महाकाव्य है, यहाँ पर लिखेंगे आप सत्य। और रस के सात अंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य, असत्य होगा यहाँ पर। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो ये भी सत्य बात है। आगे देखिएगा, गंगटोक मेहनत का बादशाहों का शेर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य है। अब देखिए ग्रामर में क्या क्या आने वाले हैं टॉपिक, पेपर में पढ़ लीजिए। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं लिखिए, छायावाद की दो विशेषताएँ लिखिए, और जयशंकर प्रसाद की दो काव्यगत विशेषताएँ लिखिए, और महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखिए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग है। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? और लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? काव्य की परिभाषा लिखिए। विवाह किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है? अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है, चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए। और गद्य किसे कहते हैं, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। रामरक्ष बेनीपुरी की दो रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप सभी के आंसर दे दोगे। बहुत ही क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही सरल है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बन जाएगा। भगत की पुत्रवधु अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? शब्द शक्ति किसे कहते हैं? संधि की परिभाषा और संधि के भेद लिखिए। भोलानाथ अपने साथी को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देख सकते हैं आप यहाँ, और यहाँ पर संदर्भ प्रसंग करना है, ठीक है। तो उदो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, ये देख सकते हैं, ठीक है। इन पंक्तियों को जरूर पढ़कर जाइएगा, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ करना नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है आपका, देखिए ये पंक्तियाँ भी देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन पेपर है 23 तक बताऊँगा, जिसके बाद में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। संदर्भ प्रसंग यहाँ पर गद्यांश का है, ठीक है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, ये नेताजी के चश्मे से ली गई है। स्वयं प्रकाश इसके क्या हैं? लेखक हैं। और ये देखिए बाल गोविंद भगत से रामरक्षा बेनीपुरी, इसके क्या हैं? लेखक हैं। दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है, बहुत ज़बरदस्त है, ये अपठित है, जो आपका 4 नंबर में है पूरा है। ये देखिए इसको सोल्व कर लीजिए पूरा, नहीं तो हम भी आंसर बता देंगे इसके। और देख सकते हैं यहाँ पर आप,
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 में आपको यहाँ पर 23 क्वेश्चन नंबर है जिसमें निबंध लिखना है आपको, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। अब इसी प्रकार मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो सभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियो आपके मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।